ये देखिए, ये पखुराज कंपनी का जो आटा चक्की का पत्थर होता है, ये ओरिजिनल पत्थर है। यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा है पखुराज साबू इंडस्ट्रीज राजस्थान, यहाँ पे लिखा है। ये ओरिजिनल पखुराज का पत्थर है। और ये एक साइड है, यहाँ के पिछले साइड में आपको आपको दिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पखुराज, ये पखुराज कंपनी का ओरिजिनल पत्थर है। और आपका पीछे के साइड में भी देखेंगे, जो पीछे साइड होता है आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पखुराज लिखा है वो ये ओरिजिनल पत्थर होता है। और उसको कैसे आप फिटिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ नया पत्थर लाने के बाद। देखिए ये जाम पीस का पत्थर है, आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये जो क्लिप है, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है। आपको ये प्लास्टिक को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको बोल्ट से कस देना है। देखिए बोल्ट से कसना है। और यहाँ पर जो पीछे के साइड में है, चार तीन नट को लगाना है इस तरह से। और ये जो दो नट है उसको खोल लेना है। खोल के ये वाला को थोड़ा अच्छा से लगाना है, इस तरह से खोल लेना है। देखिए ये जो बैंड है उसको थोड़ा बैंड कर लेना है। और इसके बाद इसका जो बॉडी होता है, ये बॉडी में आपको लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाएंगे। ये दो नॉट को खोल लेना है, ये जो लॉक है उसको थोड़ा पीट के और बेंड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पीट के उसको थोड़ा बेंड कर लेना है। देखिए ये अच्छा से फिटिंग हो गया, इसको फिर से फिटिंग कर लेना है। ये देखिए नया पत्थर से ये जो साइड वाला रिंग दिया गया है उसको थोड़ा नीचे कर लेना है हथौड़ा के मदद से। इस तरह से उसको थोड़ा डाउन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो रोड है उसको अंदर में दे देना है इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर में निकलेगा। और आपके पास जो बोल्ट है आपको यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है, ये होल इसके अंदर में होना चाहिए। और आपको इस तरह से दे देना है बोल्ट, इससे दे देना। ये देखिए यहाँ पर आराम से लग गया है। और ये नॉट को बहुत अच्छी तरह से आपको टाइट कर लेना है। फिर टाइट करने के बाद इसका काम खत्म हो गया। और ये दूसरा जो जाम पीस का काम है तो ये शुरू हो जाएगा। आपको पहले ये जाम पीस को इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद और ये जो उसके ऊपर प्लास्टिक के निशान है आपको उठा लेना है। बहुत यहाँ पर चार जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक को आपको ये स्क्रू ड्राइवर के मदद से इस तरह से उठा लेना है। देखिए ये खुल गया, इस तरह से आपको खोलना है। देखिए ये खुल गया। और देखिए ये खुल गया। देखिए ये खुल गया। खुलने के बाद आपको इस तरह से देखिए इस तरह के आपको जो ये चार होल आपको दिख रहे हैं, ये चार होल। और यहाँ पर जो चार होल आपको उसके हिसाब से ये बॉडी को रखना है। देखिए
इस तरह से ये जो होल है देखिए, ये होल आपको रखना है। रखने के बाद ये देखिए, ये जो चार नॉट है इसके हिसाब से आपको लगा लेना है। इस तरह से आपको लगा लेना है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से लग गया। आपको इस तरह से लगा के ये पत्थर को फिटिंग करना है। देखिए ये टाइट हो गया। आपको ये जो फिटिंग, देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है, बढ़िया तरीके से लग गया। देखिए ये देखिए, इसको लगने के बाद आपको इस साइड में थोड़ा पैकिंग दे देना है और यहाँ पर थोड़ा पैकिंग भी दे देना है। देने के बाद ये अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगा और आपको जब हम बॉडी में फिटिंग करेंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पत्थर को आपको अच्छी तरह से फिटिंग कर लेना है और बॉडी का फिटिंग करने के बाद मैं आपको पार्ट टू दिखाऊंगा। और ये चार नोट को आपको फिटिंग कर लेना है और यहाँ पर जो बेल्ट होता है इस तरह से, ये आपको अच्छी तरह से दे देना है दोनों साइड में, और यहाँ पर छोटा सा बेल्ट दे देना है और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। देखिए बहुत अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।